9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला हुआ है वो फैसला सरासर नाइंसाफी और जुल्म पर मबनी है और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म देकर सुप्रीम कोर्ट ने हम हिंदुस्तानी मुसलमानों की मसलूमियत और बेबसी का मजाक उड़ाया है। हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई खैरात नहीं चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फैसला हकायक सबूतों और दलीलों की बुनियाद पर नहीं आया है बल्कि ये फैसला हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये किसी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया होगा बल्कि ये तो एक मुसालहती फॉर्मूला नजर आता है। आलमी मीडिया हिंदुस्तान के इस फैसले का मजाक बना रहा है। हिंदुस्तान की जमहूरियत पूरी दुनिया में एक तमाशा बन गई है और ये उसने साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर कि वो हिंदू दहशत गर्दों और इंतहा पसंद हुकूमत के सामने उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। हमारा मौकफ ये है कि अल्लाह की अदालत से मस्जिदों के ताल्लुक से फैसला बहुत पहले ही आ चुका है और उसके फैसले की रूह से कि वह अन्नल मसाजिद अलिल्लाह के मस्जिदें अल्लाह की मिल्कियत होती हैं। इस फैसले और कानून की रूह से हमारा दावा बाबरी मस्जिद पर जू का तू बरकरार रहेगा। हम बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक जब तक के बाबरी मस्जिद उसकी असल जगह पर तामीर नहीं हो जाती। अगर कोई ये समझता है कि आज हिंदुस्तान के मुसलमान डर का और बुजदिली का शिकार हो रहे हैं तो उनकी खामोशी को आप अमन मत समझिए, उनकी खामोशी को आप डर और बुजदिली मत समझिए, इसलिए कि कौमों ने यह देखा है कि जब भी जुल्म, दबाव और जबर की बुनियाद पर किसी को दबाया जाता है तो जितनी तेजी से वो दबते हैं उतनी ही तेजी से उभरते हैं। बाबरी मस्जिद पर हमारा मौकफ जू का तू बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान, मैं वाजे तौर पर यह कह रही हूँ कि ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में से किसी आलिम को, किसी मुफ्ती को, किसी कायद को या किसी दानिश्वर को बाबरी मस्जिद के फैसले से या बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार होने का या हो जाओ कहने का कोई इख्तियार और हक उनको हासिल नहीं है। फैसला अल्लाह की तरफ से हमारे पास आ चुका है, हम अल्लाह के उसी फैसले को मानेंगे। और अगर 5 एकड़ जमीन तो क्या, अगर सारे हिंदुस्तान को भी मस्जिद बना देने की पेशकश कर दी जाए तो इस पेशकश को हम ठुकराते हैं। बाबरी मस्जिद की जमीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार होने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुल्क की जो 3 बड़ी तंजीमें हैं, मुल्क की जो 3 बड़ी मजहबी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद और जमीयत अहले हदीस, उनकी नाअहली, उनकी बुजदिली की वजह से आज हम खवातीन को बाहर निकलना पड़ा है ताकि हमसे जो हमारा हक छीन लिया गया है उस हक को वापस लेने की बात करें। और मैं आपसे ये भी कह देना चाहती हूँ कि ये मुसलमान जो डर और खौफ की बुनियाद पर आप ये समझ रहे हैं कि ये खामोश है तो ये हुकूमत की, रियासती हुकूमतों की
मरकजी हुकूमतों की एक बड़ी नरी हिमाकत होगी अगर कोई ये समझ ले, इसलिए कि जबर और खौफ की बुनियाद पर जो दबाया जाता है तो आप समझ नहीं सकेंगे कि हमारे दिल में इस फैसले को लेकर जो गुस्सा, जो गम और जो नाराजगी और जो इस्तेराब हमारे दिलों में पनप रहा है वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा आइंदा मुस्तकबिल में, इसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। मैं एक मर्तबा फिर वाज़े तौर पर ये अपना मौक़िफ़ दोहरा रही हूँ कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। यही हम मुसलमानों ने हिंद का अटल मौक़िफ़ है। इससे हमें कोई फैसला, कोई दबाव, कोई जुल्म हटा नहीं सकता। सेलफोन आ रहा है उस्ताद, जरा हटो पूरा। तुम बैठ जाओ, बैठो बैठो। अरे पीछे वाले छुप जा रहे, बैठो बैठ के बैठो। बना बिछा दो, बिछा दो। हाँ।